हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आई हो मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। और आज है मंडे, तो आज मानस छुट्टी लिया है, मतलब घर में ही है। तो पिछले वाला ब्लॉग में बताई थी कि एसी इंस्टॉल करने के लिए आएगा, तो वो लोग आ रहे हैं, तो अभी जस्ट आ जाएगा। कॉल आया था तो आ रहे हैं। सोचा चलो एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा बकबक भी कर लेती हूँ। और सुबह आज मतलब आराम से सोई, कल सोते सोते भी लेट हो गया था रात को। तो कल ना वो पार्टी से आने के बाद बिल्कुल मतलब बहुत कैसा लग रहा था शरीर, एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो वो पता नहीं ज़्यादा खाना हो गया, उसके ऊपर गर्मी था करके पता नहीं बहुत वीक लग रहा था शरीर। कुछ काम करने के लिए मूड ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही मटर थोड़ा बॉयल करके रखी थी, तो इसीलिए अच्छा हुआ दोपहर से बॉयल करके ही मैं गई थी। तो आके फटाफट मानस भी थोड़ा हेल्प किया, तो वही प्याज जो जो घुघनी बनाने के लिए ज़रूरत होता है तो काट के वही बनाया था। तो मेरे शरीर में पता नहीं बिल्कुल ताकत ही नहीं था। तो आके मैं अच्छे से सवार ली, तो मतलब सवाल लेके संध्या दे दी, एकदम संध्या दे के फिर मैं एकदम लेट गई। नींद तो नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही लेटी थी। बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था शरीर। तो आज आराम से सुबह, मैं सुबह भी नींद टूट गया था, मतलब कितना 6 साढ़े 6 को, क्योंकि डेली उठती हूँ मानस ड्यूटी जाता है करके। फिर ये बोला नहीं आज छुट्टी तो ले लिया, बोल ही दिया ऑफिस में, तो इसीलिए फिर मैं बोली बाप रे मैं सो जाती हूँ, तो शांति मिला। फिर सो गई थी, एकदम उठी 9 बजे, तो मतलब अच्छे से नींद हुआ करके ना अभी शरीर थोड़ा आज अच्छा लग रहा है। तो यही बात है। तो चलो और ये वाला ब्लॉग भी चेक करते रहो, आशा करती हूँ अच्छा लगता है। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो देख सकते हो बोलते बोलते ये लोग आ भी गया एसी इंस्टॉल करने। तो एसी तो इंस्टॉल करने के लिए आया है, बट वो सीढ़ी का ज़रूरत है, तो क्या करें अभी। जो मतलब घर दिया था हम लोगों को, तो उनको कॉल किया था मानस अभी, तो इसलिए वो लोग अभी बाहर जा रहे हैं वही सीढ़ी ले आने के लिए, तो मिल जाएगा। और हम लोगों का मन है कि ऊपर मतलब ये खिड़की का जो ऊपर है ना, ऊपर की तरफ मतलब एसी रखने के लिए, तो दिखने में भी अच्छा लगता है, नीचे की तरफ इतना अच्छा नहीं लगता है, तो देखते हैं। और इधर है देखो, तो इस बार विंडो एसी ली क्योंकि दूसरा वाला स्पीड एसी था। तो मानस बोल रहा है एक तो मतलब स्पीड वाला एसी है और दूसरा ये विंडो एसी ले लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र जॉब है ना तो ये आसान होता है। बट मुझे मतलब मेरे हिसाब से मुझे यही वाला पसंद है, मेरा पहले का जो है इस रूम में लगा हुआ। बट क्या करें, दोनों फिर सेम हो जाएगा। और ट्रांसफ़र जॉब के लिए ना ये वाला विंडो एसी सबसे अच्छा होता है, तो इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है लगाने का फिर, तो इसीलिए तो मैं बोली चलो ठीक है दोनों मतलब दो टाइप का भी हो जाएगा, तो इसीलिए। और पीछे ये कूलर देख रहे हो, कूलर इस साइड में था तो इस साइड में कर दी। हम ना सोच रहे हैं अभी कूलर को बेच ही देंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा साइज का भी है ना, तब ले लिए थे और अभी लग रहा है जगह भी काफ़ी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना जगह नहीं है, घर के अंदर तो रख ही नहीं पाएंगे और बाहर ही बड़ा था। बट अभी सोच रहे हैं कि मतलब कोई खरीदेगा तो बेच ही दूँगी, देखते हैं मिल जाएगा तो अच्छा होगा। तो आज लंच में बना रही हूँ देखो मसूर का दाल, सब रेडी कर ली हूँ, बस एक सीटी लगाना है। और ये फ्रिज में फिश से निकाली, तो ये थोड़ा सा फिश अंडा है मतलब फिश एग, और तो सोच रही हूँ एक करी बना लूँगी, तो देखते हैं और क्या बनाती हूँ। तो देख सकते हो ये परवल भी फ्राई करूँगी, इसलिए काट ली हूँ। और ये फिश भी गल चुका है, अभी आइस बन गया था, नॉर्मल हो गया है। और ये तो फिश अंडा है, सोच रही हूँ थोड़ा सा पकौड़ा बना लूँगी। और ये आलू काट के रख दी हूँ, फिश के साथ बनाऊँगी ये आलू। तो चलो मैरिनेट कर लेते हैं नमक हल्दी देख के। और थोड़ा सा मतलब आवाज़ आ सकता है क्योंकि वो एसी इंस्टॉल करने के लिए आए हैं, तो प्लीज़ इग्नोर।
तो देख सकते हो काम चल रहा है और मैं किचन से आके बार बार देख रही थी कितना दूर तक हुआ है, और खाना भी बना रही थी क्योंकि खाना नहीं बनाऊंगी ना देखती रहूंगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। लंच ऑलमोस्ट डन और यहाँ पे फिश करी बन रहा है, थोड़ा सा बाकी है और इस साइड में राइस चढ़ा दी और पीछे देख सकते हो घर पूरा मेसी होके पड़ा है। प्लीज़ इग्नोर क्योंकि अभी तक काम चल रहा है। आए थे कितना 10:30 तक आए थे ये लोग, तो अभी तक काम चल रहा है। वो सीढ़ी ले आते आते भी टाइम लगा, तो उसके मतलब सीढ़ी लेने मानस गया और एक गए थे मतलब उनका ही एक आदमी, तो फिर मतलब और एक आदमी था, दो लोग आए हैं तो वो मतलब दूसरा एक घर में भी एसी लगवाना था तो वो चले गए थे, तो आते आते फिर 1 घंटा लग गया था इसीलिए लेट हो गया। अभी घड़ी में टाइम हो गया है 12:40 तक हो गया है, तो मेरा कुकिंग भी डन, थोड़ा सा बाकी है बस। तो घर का कुछ भी काम भी नहीं हुआ, झाड़ू पोछा, झाड़ू तो नहीं लगाई पोछा तो दूर की बात है, तो मैं सोच रही हूँ काम मतलब एसी लग जाएगा उसके बाद पूरा घर क्लीन करूँगी क्योंकि बहुत गंदा होके पड़ा है। झाड़ू भी नहीं लगाई उसके ऊपर, काल वो पार्टी से आने के बाद कुछ भी काम नहीं की, तो इसीलिए घर बहुत गंदा है। तो देखती हूँ ये लोग जाएगा फिर क्लीन करूँगी, अभी क्लीन करके कोई फ़ायदा नहीं। अभी तक एसी का काम चल रहा है, अभी तक मतलब नहीं हुआ और थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो अभी घड़ी में टाइम हो गया है 1:40, मतलब क्या बता इतना टाइम लगेगा नहीं पता था। तो ये फिश का जो अंडा था ना, फिश एक, तो उसका पकोड़ा बनाऊंगी बोली थी, बट सोचे थे मतलब जब खाना खाऊंगी तभी फ्राई कर लूँगी, बट अभी बहुत लेट हो गया, सबको बहुत भूख लग रहा है, तो घर का कुछ भी काम भी नहीं हुआ। सोच रहा है बस ये लोग जाएगा तो नहा के फटाक से लंच कर लूँगी, तो अभी सोच रहा है बना ही लेती हूँ क्योंकि बनाते बनाते भी टाइम लगेगा और टाइम भी नहीं है, अभी सोच रहा है बना ही लेते हैं फिर जाके मतलब नहाने जाऊँगी फिर खाना ही खा लूँगी एकदम। तो चलो फटाफट बना लेती हूँ, इतना टाइम लगेगा ना नहीं पता था, कि हम लोगों को लगा 2 घंटे के अंदर हो जाएगा, अभी तो 3-4 घंटा हो गया अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। मानस भी है उस रूम में, मैं भी बैठ के थोड़ा सा देख रही थी, फिर किचन में आ गई मैं, बोली नहीं मैं बना ही लेती हूँ क्योंकि 2 बजने वाले हैं तो और लेट करूँगी, तो चलो मैं बना लेती हूँ फटाफट। तो लंच एकदम रेडी हो गया है और यहाँ पे है फिश करी, आलू और थोड़ा सा परवल दी थी, और इसमें है परवल फ्राई और ये फिश अंडा फ्राई मतलब पकोड़ा जैसा बनाई, और इसमें है मसूर का दाल, हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग क्योंकि अभी टाइम हो गया है 6:10 मतलब 6:10 हो गया है, तो अभी ब्लॉग को फिर कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि लंच करने के बाद लंच करते करते बहुत लेट हो गया था और एसी इंस्टॉल करना भी हो गया है, मैं दिखाती हूँ, तो उसके पहले मैं दिखा रही हूँ कितना गंदा हुआ है, तो नीचे की तरफ देखो
अभी ये सब क्लीन करूंगी मैं ना। एक्चुअली खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेट गई थी, पता नहीं एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, शरीर थकान थकान लग रहा था। एक्चुअली काल से ही हो रहा है शरीर थोड़ा थकान, पता नहीं क्यों। और ये काम फिर अभी करना पड़ेगा, बिल्कुल गंदा है तो ये सब झाड़ू लगाऊंगी। पूरा घर को ही एक्चुअली झाड़ू लगाना है, क्योंकि सुबह ही, मतलब सुबह बोल रही हूँ, हाँ सुबह ही मैं बताई थी कि पूरा घर झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी सोच रही हूँ झाड़ू लगा के पोछा भी लगा दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है, देख सकते हो नीचे पूरा। सिर्फ यहाँ पे नहीं, उस रूम में, मतलब हॉल में भी धूल मिट्टी सब पड़ा है। तो मानस और रूपम थोड़ा सा नीचे गया है, कुछ सामान लेके आना है, इसलिए मुझे भी थोड़ा जाना है, मतलब ग्रॉसरी शॉप में। तो अभी एक्चुअली ना कोरोना इतना बढ़ रहा है, इसलिए सोच रहे हैं मतलब ग्रॉसरी शॉप जाऊं। और कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं ज़रूरत है, फिर भी सोच रही हूँ ऑयल वगैरह, फिर राइस, आटा ख़त्म हो गया है, मतलब जो ड्राई सामान है थोड़ा ना ज़्यादा करके घर में आके रख दूंगी मैं। मुझे तो लगता है आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। कब लॉकडाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी ना कोई मतलब पता नहीं है ना, तो घर में स्टोर करके रखना भी अच्छा है। तो इसीलिए सोच रही हूँ कुछ कुछ ले आके रख दूंगी, क्योंकि बार बार तो छुट्टी नहीं ले पाएगा ना। और मुझे भी ना अभी मन नहीं हो रहा है कि बाहर बार बार जाऊँ, तो इसीलिए तो सोच रहे हैं मानस आज घर में है तो जाके थोड़ा थोड़ा करके लेके आ जाऊँगी। तो यही था, और ये वाला ब्लॉग सोच रही हूँ यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो जो नए हो मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर देना, और फ्रेंड फैमिली सबके साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा।